हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। आज हम बात करेंगे चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तब हमको क्या क्या याद रखना चाहिए, किस किस बातों को हमको एनालिसिस करना चाहिए चार्ट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी आप चार्ट को एनालिसिस करते हैं तब आपको इस वीडियो की मदद से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मुझे चार्ट में क्या दिखना है। ठीक है, चार्ट पे किन 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 पॉइंट्स को हमको इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 12 यहाँ पे की पॉइंट्स बनाए हैं, जो मैंने जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उसी को ही मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। ठीक है, तो उनमें से पहला है प्राइस मूवमेंट। वहाँ पे जब भी प्राइस अपर डायरेक्शन में जाता है तो उसका बुलिश मूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि प्राइस अभी बुलिश है। जब भी प्राइस डाउन साइड जाता है तो वो क्या है, बियरिश मूवमेंट। ठीक है, और जब भी प्राइस साइडवेज होता है तो वो क्या होता है, एक रेंज मूवमेंट होता है। ठीक है, ना ही प्राइस ऊपर जा रही है और ना ही प्राइस नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट क्या होता है, वो लेवल जहाँ पर प्राइस गिरते हुए रुक जाती है या बाउंस करती है उसको सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही ऑपोजिट में होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ पर प्राइस ऊपर जाती हुई रुकती है या रिवर्स हो जाती है। ठीक है, उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर रही होती है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। ठीक है, तीसरा है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। मतलब कि ब्रेकआउट क्या होता है, जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो ये बुलिश सिग्नल होता है। ठीक है, मतलब कि किसी एक लेवल को ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की ओर मूव करती है तो प्राइस वहाँ पे ब्रेकआउट हो गई, मतलब कि ट्रेंड लाइन वहाँ पे ब्रेकआउट हो गई और मोमेंटम वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन क्या होता है, जब प्राइस एक सपोर्ट लेवल या लोअर ट्रेंड लाइन को नीचे से क्रॉस करती है तो ये बियरिश सिग्नल होती है। ठीक है, मतलब कि प्राइस किसी एक लेवल पर ऊपर से नीचे की ओर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। ठीक है, और उस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है, उसी कंडीशन में मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तब वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्राइस मूवमेंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, चौथा है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। ये बताता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट यूजुअली ज़्यादा स्ट्रांग होता है और लो वॉल्यूम के साथ मूवमेंट वीक हो जाता है। ठीक है, ये हमको वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या पैटर्न ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम पे हमको ज़्यादा मदद मिलती है। जब भी हम वॉल्यूम के साथ किसी प्राइस एक्शन को मैच करते हैं तब हमारी स्ट्रेटेजी और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन और एक्यूरेसी वाली हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर है रिस्क रिवर रेशियो। तो रिस्क रिवर रेशियो क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रॉफिट पोटेंशियल को रिस्क के कंपैरिजन में इवेल्युएट करता है। अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में रिस्क कम और रिवर्ट ज़्यादा होता है। मतलब कि जब भी हम किसी भी एक ट्रेड लेना चाहिए तो वहाँ पे अपना रिस्क कितना होगा, ठीक है, उसको हमें पहले डिफाइन करना है। ओके, और फिर रिवर्ट मतलब कि एग्जिट कब लेनी है उसको भी डिफाइन करना है, उसको बोलते हैं रिस्क और रिवर रेशियो। ठीक है, फिर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक मूविंग एवरेज की तरह ही एक इंडिकेटर ही है, लेकिन इसमें रिसेंट प्राइस डेटा को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। इसका यूज़ प्राइस ट्रेंड्स को जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए होता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, इसलिए EMA को स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है। मैक्सिमम जो भी स्कैल्पर होते हैं वो EMA क्यों ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें लास्ट
5, 10, 15 जैसे कैंडल्स का वहाँ पे समरी का एक लाइन बनता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता ही होगा कि क्या होता है, मतलब कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, मतलब कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है उसका एक अलग सिग्नल होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगी, नीचे की ओर मूव करेगी, या प्राइस यहाँ पर साइडवेज रहेगी। ठीक है, वो कहाँ से पता चलता है? कैंडलस्टिक पैटर्न से पता चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है चार्ट पैटर्न्स। ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेशन होते हैं जो प्राइस चार्ट पर बनते हैं। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेशन क्या होता है? जब भी प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। ये मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया, लेकिन उसको डिटेल्स में कैसे समझते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये वो फेस है जब लार्ज इन्वेस्टर मतलब कि बिग प्लेयर स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते हैं, इससे प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन अथवा तो कोई बिग प्लेयर किसी भी स्टॉक्स या प्राइस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस सडनली इंक्रीज हो जाती है, बिग मूवमेंट आता है, उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये वो फेज है जहाँ पे लार्ज इन्वेस्टर स्टॉक्स सेल करते हैं और प्राइस डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो जाती है। ये बियरिश मार्केट को इंडिकेट कर सकती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन का ऑपोजिट है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? जब भी बिग प्लेयर कोई स्टॉक्स लेके या किसी भी प्राइस में इन्वेस्ट करके रुके हुए होते हैं और वहाँ से वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मतलब कि वहाँ से क्या करेंगे, वो जो भी माल उन्होंने बाय किया है वो वहाँ पे उस लेवल पे सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो क्या होगा, प्राइस में डाउन बियरिश ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, प्राइस वहाँ से गिर जाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन को सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊँ तो एक प्राइस स्टोर है, प्राइस वहाँ पे उस लेवल पे स्टोर होता है। ठीक है, ये वो फेज है जब प्राइस एक फिक्स रेंज में मूव करती है और ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाती, ये मार्केट के स्टेबल फेज को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो मार्केट में तीन टाइप के फेज आते हैं, फर्स्ट एक्यूमुलेशन, दूसरा कंसोलिडेशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, इसके बाद आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि ये लेवल्स प्राइस रिट्रेसमेंट या रिवर्सल लेवल को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये प्राइस मूवमेंट के पुल बैक को मेजर करते हैं। ओके, जैसे कि 38.2%, 50% और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में क्या होता है कि जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट कर दें तो कुछ लेवल्स ड्रॉ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसमें जो ये 38.2% है, 50% है और 61.8% है, उसका जो भी लेवल है वो वहाँ पे प्राइस रिट्रेस करता है और रिट्रेस करने की कोशिश भी करता है। ठीक है, अगर ये लेवल प्राइस ब्रेकआउट कर देता है तो उसके बाद इस लेवल में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम में कैसे हम चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं? देखिए, ट्रेडिंग चार्ट्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया जा सकता है, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का एनालिसिस ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड समझने में हेल्प करता है। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम में हम चार्ट को जब भी एनालिसिस करते हैं तब हमको एक्यूरेसी मिलती है कि चार्ट कैसे बिहेव करता है, प्राइस कहां से कहां जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और ये वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।